Associated with the team for a very long time, so I'm very happy to be here. और award nights मैं कम ही जाता हूँ, लेकिन कुछ एक जो बहुत ही authentic और genuine होते हैं वहाँ पर मैं जाना prefer करता हूँ. And I'm very happy that this is happening. थोड़ा आज दिन थोड़ा कठिन था सबके लिए, शायद बारिश की वजह से, but I think शाम होते होते we having a good time. So मैं अंदर जाना चाहता हूँ जल्दी, ताकि मैं जाके देखूँ हो क्या रहा है अंदर. तेरा प्यार पगले. So basically Anil is a very old friend of mine, and his entire team I've been working with a while. Prashant is a dear friend. तो इनका न्योता आया और मेरे पास अच्छे कपड़े थे, तो मैंने कहा कि एक बार प्रेजेंट करता हूँ अपने आप को. अवार्ड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बट मोटिवेशन तो अंदर से आना चाहिए, है ना. केवल अवार्ड्स के आधार पर हम मोटिवेशन ढूंढेंगे तो अधूरे रह जाएंगे. अभी अभी मैंने टीवी पे कुछ ख़त्म किया है, एक अमेजोन मिनी टीवी के लिए कुछ और शूट करके रखा है, वो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इन हाँ मैंने कहा ना अमेजोन के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. यही थैंक यू, 20 साल से खड़ा हूँ आप लोगों के साथ, और थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू, थैंक यू. Yeah.
Yeah, I'm so very excited. And then enjoying tonight. I can hear. How wonderful do you feel when you get such award for your work? When you work, you get appreciated by your work. How do you feel? Yeah. I'm so very honored. I'm so very great today. Yeah. So very nice. Are you watching Big Boss? Now. Sometimes I'm watching Big Boss. Yeah. Big Boss OTT, right? Yeah. No? Who's your favorite? Have you seen that Arman has slapped Vishal Pandey in that recent Big Boss OTT season 3? So how do you react to that? I don't understand. Have you watched Big Boss OTT? Yeah. Sometimes watching Big Boss. But he doesn't know. Yeah. Sorry. Yeah. Thank you. Excited to be here. It's always amazing to celebrate the great artists and talent of India. So just super looking forward to see it. It's hard to choose one, so let's see. I'll just have it as a surprise. Thank you so much. बहुत अच्छा लग रहा है. इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स हर साल होता है और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर. सही कलाकारों से मिलेंगे. आई थिंक बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेटेड है. अच्छा लगता है यार, आप मेहनत करते हैं. इतना वक्त लगता है कोई भी शो या फिल्म बनाने में, तो जब आपकी काम की सराहना होती है तो बहुत अच्छा लगता है. आएगा, इस साल आएगा. हाँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक चीज़, तो आएगी इस साल. पॉप फिल्टर नीचे गिर गया, चलेगा. यहाँ पे
डायरेक्टर्स को बेचारे को इस यही टाइम मिलता है थोड़ा सा खुशी महसूस करने के लिए क्योंकि अप्रिसिएशन सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। It's always good to be an award show because जो काम किया है उसका reward मिलता है, we always look forward to, and it's a nice initiative. Delhi awards हमेशा होते हैं, we all love it, and you know, हाँ nominated हूँ sets के लिए तो feels good. मेरा nomination इसमें ताज series के लिए है एंड सेट डिज़ाइन के लिए है, तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने के लिए, और जब
रिवॉर्ड मिलता है या तो यू नो एक्सपेक्ट मिलने नॉमिनेट भी होते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है. तो समथिंग वी लुक फॉरवर्ड टू इन द एंड ऑफ इतना जब काम करते हैं. फिल्म आने वाली है आगे लेकिन अभी नहीं मैं बता नहीं सकता. बट थैंक यू. थैंक यू. बहुत खुश हूँ यहाँ आने के लिए और बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड हैं आज और देखते हैं कौन जीतता है. बहुत इंस्पिरेशन मिलता है जब लोग आपके काम को नोटिस करते हैं और उसको ऑनर करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है. मिर्ज़ापुर की ऑडियंस इतनी लॉयल ऑडियंस है कि हमें बहुत बढ़ावा मिलता है. हर सीज़न के साथ हमारा प्यार बढ़ते ही जाता है तो हम बहुत खुश हैं. सॉरी अगर अवार्ड्स हैं तो मोटिवेशन है लेकिन नहीं भी है तो हम काम चला लेते हैं. ऐसा नहीं है. हाँ वो कैरेक्टर ऐसा है कि हर सीज़न में कुछ अटपटा कर जाता है. मतलब कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसके बारे में. तो हर सीज़न बिना नए रंग लेके आती है तो ये सीज़न भी नए रंग लेके आई है. बहुत सारे नए शोज़ रिलीज़ हो रहे हैं. दिल्ली क्राइम सीज़न 3 की शूटिंग शुरू होने वाली है. एक दो तीन नए शोज़ किए हैं. एक अप्लॉज के साथ है, एक के मैनर और रणवीर शौरी के साथ है जो शायद अगली रिलीज़ वही होगी. Thank you.